सवाल जो बेहतर बनाते हैं दुनिया को, तोड़ते हैं बंधे बंधाए फर्मों को, सवालों से बनती है सुधार की गुंजाइश और तय होती हैं जिम्मेदारियां। ना तो मीटर है ना अनुप्रास की छता है, यही सवाल आपके भी काम आते हैं जब आप लल्लन टॉप पर क्विज खेल जीतते हैं नाम। लेकिन इस बार कोई स्क्रीन नहीं, कोई ऐप नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ होंगे आप और हम। लल्लन टॉप अड्डे पर आमने सामने खेली जाएगी क्विज बैरिटोन। मौके पर दीजिए जवाब और मौके पर जीतिए नाम। 18, 19 और 20 नवंबर को लल्लन टॉप अड्डे में पहुंचना है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। बाकी जानकारी ऐप पर। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हार चुका है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपनी दूसरी T20 विश्व कप ट्रॉफी जीत ली है। मैच में क्या हुआ ये बताने से पहले आपको ट्विटर की ओर लिए चलते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक ट्वीट पिछले कुछ दिन से लगातार वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में शहबाज ने कहा था, इस संडे 152 नॉट आउट बनाम 170 नॉट आउट होने वाला है। शहबाज का निशाना इंडियन क्रिकेट टीम पर था। 2021 T20 वर्ल्ड कप में दुबई में इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 151 रन बनाए थे। पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, पाकिस्तान ने स्कोर को बिना विकेट गंवाए चेस कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भी इंडिया के 168 रन के टोटल को बिना विकेट गंवाए चेस कर लिया था। इन्हीं दोनों स्कोर को हथियार बनाकर शहबाज ने टीम इंडिया को टारगेट किया था। इस ट्वीट पर कई प्लेयर्स और फैंस ने जवाब दिया था। इरफान पठान का जवाब काफ़ी वायरल हुआ था। लेकिन अब पाकिस्तान की हार के बाद एक ऐसा ट्वीट आया है जो शहबाज के ट्वीट पर जमकर भारी है। इंडियन आर्मी के रिटायर्ड जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों ने शहबाज को जवाब देते हुए ट्विटर पर लिखा है, 93,000 अब भी अजय है, जय हिंद। 93,000 नॉट आउट उन्होंने कहा। दरअसल कंवलजीत सिंह ढिल्लों ने 1971 के इंडो पाक युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के सरेंडर का इशारा करते हुए ये ट्वीट किया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये किसी भी युद्ध में सरेंडर करने की सबसे बड़ी संख्या है। भारत में इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई रिपोर्ट्स की माने तो इतिहास में इंडियन आर्मी इकलौती ऐसी आर्मी है जिन्होंने 93,000 सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर किया है। अब शायद ही पाकिस्तान इस ट्वीट को देख कुछ कह पाएगा। अब मैच की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड के कैप्टन जॉस बटलर ने टॉस जीता पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। उनका यह फैसला सही साबित हुआ और पाकिस्तान की टीम 8 विकेट खोकर 137 रन ही बना सकी। टीम के लिए शान मसूद ने सबसे ज़्यादा 38 रन बनाए। वहीं इंग्लैंड के लिए सैम करन ने 4 ओवर में मात्र 12 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। जवाब में खेलने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 138 रन के लक्ष्य को 19 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम के लिए बेन स्टोक्स ने सबसे ज़्यादा नाबाद 52 रन बनाए। वहीं कप्तान बटलर ने 26 रन की पारी खेली। पाकिस्तान के लिए हरीश रौफ ने 2 विकेट हासिल किए। इंग्लैंड ने लगातार अच्छा क्रिकेट खेलते हुए अपना दूसरा वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया है। T20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया है लेकिन एक दूसरा वर्ल्ड कप सामने है। नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत, कैमरे के पीछे आलिश हैं और उस दूसरे वर्ल्ड कप की बात भी कर लेते हैं। कतर में शुरू हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप 20 नवंबर से, उस पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी। उसके ठीक पहले इंडिया और न्यूजीलैंड भी शुरू हो रहा है 18 नवंबर से। इंडिया की सीरीज़ है, कवर तो हम करेंगे ही। लल्लन टॉप स्पोर्ट्स पर आपको इन दोनों सीरीज़ की कवरेज लगातार मिलती रहेगी। सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर लीजिए, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए हम आप तक सारी अपडेट्स पहुँचाते रहते हैं। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।